हैप्पी बर्थडे टू यू। वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सभी, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस मैं भी यहाँ पे एकदम बढ़िया हूँ और अभी मैं जाने के लिए रेडी हो चुकी हूँ। तो बस अभी चलते हैं और आपको प्यारा सा व्यू दिखाते हैं। वैसे तो आज मौसम खराब खराब सा, पीछे भी देख सकते हो आप, और फिर मैं आपको पूरा पूरा दिखा देती हूँ, ठीक है। और इसी के साथ करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत आप लोगों के साथ, आप सभी के साथ। चलिए तो गाइस यार घर से तो मैं निकल चुकी हूँ और अभी थोड़ा सा पैदल है चलने को, फिर वहां से चलूंगी मैं काम पे। यार थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, लोगों ने नींद आ रही है। तो गाइस आज का मॉर्निंग व्यू कुछ ऐसा है, तो मैं आपको मैं इधर से ही दिखाऊंगी क्योंकि इधर से ना सारा का सारा दिख जाता है अच्छे से। और आगे से भी दिखा लेती हूँ थोड़ा बहुत, ठीक है। बाय बाय गाइस। यार इस बैल से मेरे को डर लग रहा है, इतना डरावना बैल है ये, देखिए हर मेरे को दिख रहा है। और मेरे को ऐसी पहाड़ियों से जाना पड़ रहा है, मुझे ही देखा जा रहा है। हेलो ये बच्चे लोग मुझे नहीं जानते लेकिन बट मैंने इनको हेलो बोल दिया। सो गाइस अभी दिन का टाइम है और मौसम खराब हुआ पड़ा हुआ है और लगता है बारिश होने वाली थोड़ी। और बाकी अभी मैंने दीदी के लिए सांप डाला हुआ है डराने के लिए, देखते हैं डरते कि नहीं डरते हैं। इस नेक से तो चुपचाप मंदिर जा रहे हैं, थोड़ा जोर से बोलिए। तो फ्रेंड्स अभी हम मंदिर जा रहे हैं और परे जाके दिखाते हैं आपको हम क्या करने वाले हैं। तो बाकी यहाँ तो क्लीन कर लिया है पूरी, मतलब झील को। तो गाइज यार इस मौसम की वजह से ना सुस्ती सुस्ती और सी छाई हुई थी मेरे को, मतलब अजीब जैसा हो गया था और नींद ही नींद आई जा रही थी। तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर तक, ठीक है। तो बस अभी मैं सब मंदिर चलिया। लग रहा भी है क्या रात को आएगी बारिश? हाँ बारिश, ऐसा लग रहा है सच में बारिश आ गया। मजा भी आता है नींद में ना, नींद में नींद आती है। हाँ नींद आती है, ये तो सही बोला। अभी हम पता है करीब 4 बज चुके हैं और अभी हम मंदिर आ रहे हैं, जा रहे हैं मंदिर, जा रहे हैं हम दोनों के दोनों। 4 बज चुके हैं। चल यार ऐसा व्यू में ना मंदिर तो बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है, ऐसे भी लगता है लेकिन बट व्यू आज बड़ा मस्त है। बादल बादल है बहुत ज्यादा। दीदी यहाँ बैठी हुई है और मछलियाँ देखे यहाँ पे। तो गाइस अभी हम मछलियों का बैठ गए और इनको भी दिखाई दे रही है कैसी कैसी हो गया, कितनी सारी इकट्ठा हो रही। तो गाइस मछली वहां तो हम काफी बैठ के और बारिश भी लगना स्टार्ट होगी, लगता है हमें जाना पड़ेगा जल्दी से। तो बस अभी हम चलते हैं। तो गाइस अभी हम दोनों जा रहे हैं और पीयूष थोड़ा नर्वस हो गया था अपनी मैडम को देख के। दर्द हो रहा है खुश। बाकी अभी हम दोनों चलते हैं वापस मंदिर से। तो सो गाइस अभी मैं बजौरा आ चुकी हूँ क्योंकि आज मेरे भाई का है बर्थडे, तो मैं सिर्फ पेस्ट्री ले जाती हूँ, केक तो नहीं लेने वाली क्योंकि उसने मना किया है कि मेरे को नहीं चाहिए केक के, पेस्ट्री ऐसे ले जा रही हूँ खाने के लिए। तो बस ऊपर चलते हैं यहाँ से। भैया की शॉप में आ चुके हूँ तो यहाँ से कुछ लेते हैं पेस्ट्री। गाइस यार यहाँ पे सारी पेस्ट्रियाँ बिक चुकी है, अब मैं क्या करूँ, चॉकलेट वाले तो मेरे को चाहिए नहीं। यार मेरे को करना पड़ रहा है अभी वेट, तो देखते हैं कब तक आते हैं और अगर उससे पहले बस आ जाए तो मैं बस में ही चले जाऊंगी। पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा यार, मेरा मन करे कि मैं नीचे जाऊं। और
तो सो गाइस अभी मैं बिजौरा में पहुंच चुकी हूँ ऊपर से पेस्ट्री लेके। तो मैं गई थी यहाँ से ऊपर की ओर पेस्ट्री लेने और बाकी अभी मैं इधर ही हूँ और बस शायद आ ही जाएगी आज और फिर चलेंगे हम घर की ओर। तो दो दिनों से तो हमारी बस भी नहीं आई है और अभी थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बारिश हो रही है, आप नीचे देख सकते हो गीला गीला सा हो गया है। तो बस चलेंगे हम थोड़ी देर में, ठीक है। गाइस यार ये देखो उसको दीदी की कितनी फिक्र हो रही है मेरे लिए, पानी लेके आया ये, थैंक यू। वो वाटर। तो गाइस फाइनली हमारी बस आ चुकी है और हमें सीट मिल चुकी है ये देखिए, और हम बड़े आराम से जा रहे हैं, है ना। तो गाइस हमारी बस तो आ चुकी है लेकिन आज हमारी बस का कलर हो चुका है चेंज, जो कि ब्लू होता था और आजकल हो गया है व्हाइट, जो कि दो दिन के बाद आई हुई है। तो बस आज तो मतलब बहुत ही सारे लोग हैं हम लोग साथ में। तो गाइस ये देखिए इतने सारे बच्चे आए हुए आज बस में, जो कि हमारे अपने ही एक गांव के हैं। हाय गाइस, शाम का मौसम कुछ ऐसा है डरावना डरावना सा, बारिश वाला, थोड़ी थोड़ी बारिश तो चली हुई थी पहले से ही। और ये देखिए कितना खाली हो गया, अभी इतने सारे थे हम क्योंकि मैं सबसे लास्ट में चली हूँ, मतलब सबसे लास्ट में। तो क्या है एक अंकल है शायद, ये पता नहीं क्या बात है, क्या ही बात किए जा रहे, बड़े ही आराम से आ रहे थे। तो बाकी हम लोग तो बस पैदल चले, तो थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगी मैं घर, ठीक है। जितने भी दिन जा रहे हैं ना सितंबर के, उतनी ठंड मतलब करीब आते जा रही है। और मौसम हमारे यहाँ का तो इतना अच्छा पड़ा हुआ है ना कि भाई गर्मी भी नहीं हो रही अब तो, मतलब नींद भी अच्छे से आ जाती है। तो गर्मी इतनी बहुत होती है ना गाइस, मतलब मुश्किल हो जाता है ऐसे गर्मियों में। तो बस अब तो बस चुस्ती चुस्ती हो जाएगी। तो सो गाइस फाइनली अभी मैं घर पहुंच चुकी हूँ और इसके बाद मैं सोई पेस्ट्री में, एक मैंने मतलब पेस्ट्री में मैं एक कैंडल लगा दूंगी और उसका मतलब एक तरह से बड़े हम सेलिब्रेट कर लेंगे छोटा सा ऐसे ही, उसके लिए थोड़ा सा, बट उसको शौक नहीं होता यार, तो बस ऐसे ही लाया उसके लिए, ठीक है। तो गाइस यार ये था मेरा छोटा सा सरप्राइज इसके लिए। तो हम पेस्ट्री कट कर रहे हैं तो ये बोल रहा है गुलदस्ते क्यों रखे यहाँ पे, मैंने कहा थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है, तो अच्छा लग रहा है ना आप कमेंट सेक्शन में बताना। तो बस अभी हम केक कट करते हैं। अच्छा सो गाइस ये देखिए हम स्पून से काटने वाले केक, तो चलिए हो जाए शुरू। और ये मोमबत्ती भी कम रहेगी, चलिए चलिए हैप्पी बर्थडे टू यू, ये टू यू हुए खत्म हो गए। हैप्पी बर्थडे डियर सोनू भाऊ, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू। ए ठीक है ना, हाथ भी नहीं खराब हो रहे, हो गया। थैंक यू सो मच, बोले धन्यवाद, चल बस हो गया। बस गाइस इतना ही था जो भी था, ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन मैंने एक बल्ब तो लाया था लाइटिंग वाला, लेकिन वो शॉर्ट ही हो गया, करंट ही लग गया था हम लोगों को, लेकिन हम बच गए। गाइस अभी हमने मतलब छोटा सा केक कट कर लिया, केक क्या पेस्ट्री थी वो, तो बस मेरे मतलब मेरे दिमाग में ऐसा ऐसा चले कि मैं ऐसा ऐसा करूंगी। तो वैसे तो पूरा दिन आज मेरे को सुस्ती छाई हुई थी, लेकिन शाम को थोड़ा मेरे को लगा नहीं यार करना चाहिए थोड़ा बहुत इसके लिए, तो वो मैंने कर लिया था। तो इसको थोड़ी शर्म भी आती, बोलते कि नाम भी नहीं लिखा है, ये भी नहीं किया, वो भी नहीं किया। मैंने कुछ नहीं होता यार, ये अपने लिए मतलब हमारे घर के लिए, अपनी फैमिली में थोड़ा बहुत कर रही है बस। तो फिर छोटा है ना, इसको होता है सब, क्या करें। तो आज के ब्लॉग की एंडिंग हम यहीं पे कर लेते। तो आई होप आप सभी को आज का ब्लॉग, तो गाइस तो अच्छी विशेष देना मेरे भाई को, छोटे भाई को, जो कि मेरा छोटा भाई है। और इसके साथ करते हैं आज के ब्लॉग की एंडिंग। तो आई होप आप सभी को आज का ब्लॉग, हाँ जी आज का ब्लॉग पसंद है, पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती है आपको न्यू ब्लॉग साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड गुड नाइट।